हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है धनिए के चावल बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं धनिए के चावल बनाना। हरे धनिए के चावल बनाने के लिए ये हमने एक बड़ी कटोरी हरा धनिया लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है। एक गिलास चावल लिया है, इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था और इसका पानी निकाल लिया है। दो मोटी इलायची और आधा चम्मच जीरा और ये आधी कटोरी मैंने दही ली है। अब मैं दही के अंदर एक चम्मच नमक डालूंगी, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी और आधा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। बाकी और किसी मसाले का मैं प्रयोग नहीं करूँगी। और ये मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी ऑयल को मैं गर्म होने देती हूँ। और ये मैंने दही वाले मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं दही के अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे फिर से मिक्स कर लूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा और मोटी इलायची डाल दूंगी और साथ ही मैं ये दही वाला मसाला डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मैं उबाल आने तक पकने दूंगी। और ये हमारा मसाला पक चुका है, उबाल आ चुका है। इसी के अंदर मैं ये काफ़ी सारा धनिया डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। और अब इसके अंदर मैं ये चावल डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। ये मैंने एक गिलास इसमें पानी डाल दिया है, मैंने ये वाला गिलास लिया है, यही गिलास मैंने चावल लिए थे। अब मैं दो गिलास पानी डालूंगी। अब मैंने इसमें दो गिलास पानी डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है। अब मैं कुकर को खोल और ये मैंने कुकर को खोल दिया है और ये हमारी राइस कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं, धनिए वाले राइस। अब मैं इन्हें एक प्लेट में सर्व करूंगी। ये हमारे धनिए के चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैंने एक प्लेट में सर्व कर दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।